हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जी हाँ, यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो के रिजल्ट अपडेट बाय आयोग। जी हाँ, यूपी ट्रिपल एस सी में वीडियो के रिजल्ट की हमने कल की वीडियो में बताया था कि आज रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। उसके पीछे क्या कारण है उसकी हम बात करेंगे, और आज रिजल्ट आने की कितनी संभावना है इसकी हम बात करेंगे। आयोग ने क्या बताया कि कल क्यों रिजल्ट नहीं आ पाया, इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल बनाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इसी तरह के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस समय हम यूपी ट्रिपल एस सी की वेबसाइट पे हैं। हम आपको बता दें कि आज कल हमने दावा किया था कि रिजल्ट आज आ जाएगा, लेकिन रिजल्ट क्यों नहीं आया इस पे हमने आयोग पे करीब 4:30 बजे बात हुई थी कि उन्होंने रिजल्ट आया। हम आपको बता दें, जो हम विश्वसनीय खबर दिए थे, वो खबर जो हमने दिया था वो पूरी तरह से विश्वसनीय थी। आयोग में एक लोग हैं और मेरे मित्र के वो मित्र हैं, वहाँ से खबर हमको कभी कभी मिल जाती है, हमेशा तो नहीं मिलती, लेकिन कभी कभी जब भी मिलती है मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। जहाँ तक मीटिंग में फैसला लिया गया था कि आज जो इन्फॉर्मेशन जारी हुई है वहाँ पे वीडियो के रिजल्ट भी जारी करने की बात चल रही थी, लेकिन आयोग अन्य चीज़ों में काम करते हुए काफ़ी टाइम लग गया था, इस वजह से वीडियो का रिजल्ट नहीं आया। क्योंकि इसके अलावा आयोग ने 3-3 और नोटिसें जारी की थी, वो नोटिसें महत्वपूर्ण थी, उस वजह से रिजल्ट नहीं जारी हो पाया है। कोई तकनीकी समस्या नहीं आई थी, लेकिन तो यहाँ पे आयोग ने 3-3 नोटिसें आज जारी कर दी हैं। आयोग का सारा टाइम आज इसी, आयोग के सभी कर्मचारियों का टाइम इसी इन्हीं तीनों चीज़ को एकदम कंसीडर करने में लग गया, जिसकी वजह से वीडियो का रिजल्ट नहीं आ पाया है। लेकिन उम्मीद है कि आज वीडियो का रिजल्ट आ जाएगा। मंगलवार की मीटिंग में एक फैसला लिया गया था जिसमें ये कहा गया था कि आपका शुक्रवार या शनिवार यानी कि इसी हफ्ते रिजल्ट आपका जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि रविवार को ऑफिस बंद रहता है, तो शनिवार तक यानी कि आज आपका रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। अगर आपका रिजल्ट आज नहीं आया तो फिर आपका मंडे को ही आ पाएगा रिजल्ट, क्योंकि आप सभी को पता है कि संडे को ऑफिस बंद होता है। लेकिन निश्चित उम्मीद है कि आज आपका सैटरडे को रिजल्ट आ जाएगा शाम तक, और निश्चित रूप से ये ही खबर है। क्योंकि पिछले जो फ्राइडे को हमने कल ही बोला था, जो रिजल्ट नहीं आ पाए उनका प्रमुख कारण ये तीन विज्ञापन, ये जो तीन नोटिसें आप आयोग की वेबसाइट पर देख रहे हैं, यहाँ पे उनका काफ़ी समय निकल गया है इस वजह से। और दूसरी चीज़ ये भी थी कि आयोग एक साथ वेबसाइट पर इतना लोड नहीं डाल सकता, क्योंकि वेबसाइट क्रैक हो जाती है, वेबसाइट काफ़ी बिजी हो जाती है, जिससे अभ्यर्थियों को काफ़ी परेशानी तथा शिकायत होती है। इस वजह से भी इसका रिजल्ट आज नहीं जारी किया गया है। पूरी उम्मीद है कि कल आपका यानी कि कल रिजल्ट नहीं जारी किया गया था, और पूरी उम्मीद है कि आज शाम तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगर आज नहीं आया तो फिर आप मंडे को ही उम्मीद लगा सकते हैं, क्योंकि आपको सभी को पता है कि हर साइट की एक लिमिट होती है, एक लिमिट से ज़्यादा एक्सेस नहीं हो सकता है। इसी वजह से आयोग, क्योंकि वीडियो में करीब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अभ्यर्थी हैं, करीब 10 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया था, इस वजह से यहाँ पे काफ़ी समस्या हो जाती है वेबसाइट में, इसी वजह से रिजल्ट नहीं डिक्लेयर किया गया था कल, क्योंकि ये तीन साइटें अलग अलग से दी गई थी। तो निश्चित रूप से आज रिजल्ट आ जाएगा, नहीं तो सोमवार को निश्चित रूप से आप सभी का रिजल्ट आप सभी के सामने होगा। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि कल आपका रिजल्ट नहीं आया, लेकिन मैं जो खबर बताया हूँ कि एकदम पुख्ता खबर बताया हूँ। मंगलवार को मीटिंग में फैसला लिया गया था कि शुक्रवार या शनिवार को रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन नहीं आ पाया है। आज या आपका मंडे तक रिजल्ट आपका सभी के सामने होगा। और आयोग की नोटिस में भी आपने देखा होगा कि वो दूसरे हफ्ते आपने रिजल्ट जारी करने को कहा था, दूसरे हफ्ते का आज अंतिम दिन है। आज अगर रिजल्ट नहीं आया तो फिर सिर्फ हमारी बात नहीं, आयोग की बात भी अलग होगी। तो आप हमारे ऊपर भरोसा ना करें, लेकिन आयोग के ऊपर भी भरोसा आप नहीं कर सकते हैं इस प्रकार से। तो ये इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।